हेलो डियर एस्पिरेंट्स ऑफ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, मैं रजनीत सिंह आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है जो कि मैंने सोचा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2021 चल रहा है, इसमें एक कह सकते हैं डिक्लेरेशन दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से। ये क्या है कि 3 महीने में शिक्षक भर्ती का रिकॉर्ड बनाएगा चयन बोर्ड। जो सिलेक्शन बोर्ड है यूपी में, वो एक टारगेट लेकर चल रहा है कि पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है वो 3 मंथ के अंडर में इसको ख़त्म करने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है सारे कैंडिडेट्स के लिए। इससे आपको और जोश मिलेगा ज़रूर कि आप, जब सरकार का ऐसा सपोर्ट अगर आगे भी चलकर मिलता है तो ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है आप सबके लिए। तो कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो कि आपको पहले से पता भी होंगे, तो एक बार अगर नहीं पता है तो इसे देख लें। 4500 जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो अभी सीट खाली है, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए है, और सीट कितना है टोटल 15198, 15198। और ये जो एग्ज़ाम डेट्स हैं ये भी यहाँ पर दी गई हैं, 7, 8, 17 एवं 18 अगस्त। तो दीज आर द एग्ज़ाम डेट्स। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरे करने को कहा है। इस आदेश को पूरा करने के लिए चयन बोर्ड ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो दिस इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर बोर्ड पर एक दबाव भी है और ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, फ़ायदेमंद है। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आता है तो उसको सीरियसली लेना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी हो। और यूपी टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश के प्रिपरेशन को अगर आप कर रहे हैं तो मैं वीडियो 30-डे प्लान लेकर चल रहा हूँ, जिसमें कि 30 वीडियो का सीरीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें टीजीटी पीजीटी के सारे सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें कि 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और आप चाहे तो अपने जो भी प्रिपरेशन है उसे जारी रखें, और रिविज़न के तौर पर मेरे जितने भी नोट्स हैं और जो वीडियो का एक्सप्लेनेशन है उसे आप देख लें। 20-20 मिनट का एक वीडियो होता है, तो वो रिवीजन पर्पस के लिए मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। सो यू कैन चेक दैट, इफ़ यू लाइक यू कैन सी ऑल द वीडियोस। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं एक जो खबर है इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। चयन बोर्ड के लिए राहत की बात यह है कि भर्ती से प्रशिक्षित स्नातक में साक्षात्कार खत्म होने से समय की काफ़ी बचत हो जाएगी। जो इंटरव्यू अब जो हट चुका है इससे समय बचेगा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए स्पेशली डेट रखना पड़ता, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता, तो इसमें टाइम लगता जो कि अब बच जाएगा। तो संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 26 अगस्त को 30 जून 2021 तक शिक्षक भर्ती पूरा करने का आदेश दिया था। चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए थे, लास्ट ईयर की बात है, 29 अक्टूबर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन विधिक अड़चन के कारण 18 नवंबर को निरस्त कर दिया गया था। ये बायोलॉजी वाला मामला सामने आया था, बायोलॉजी को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो उसको फिर से इंक्लूड किया गया। तो 16 मार्च को फिर से नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ, एडवर्टीजमेंट आया था, लेकिन कोरोना के समय, कोरोना बीच में आ गया था फिर से सेकेंड वेव, तो ये इसको खींचा गया। 7 जुलाई को फिर से सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के चयन बोर्ड के अनुरोध को ठुकराते हुए 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम अवसर दिया है। तो अब चूंकि कंडीशंस नॉर्मल हो चुके हैं तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है टाइम कि 31 अक्टूबर तक जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको ख़त्म कर दिया जाए और वैकेंसी और जॉब को दे दिया जाए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ओवर कर दिया जाए। तो ये था आज का अपडेट। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।